प्रशिक्षक होते बॉब वुलमन, त्यांनी हा पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती प्रयोग केला होता. गणायकाला विनंती आहे, प्लीज आपण आमच्या समालोचन कक्षाकडे संपर्क साधायचा आहे, टेक्निकल कमिटीकडे आपण संपर्क साधायचा आहे, सईद बाय आणि दीपक यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा, प्लीज आपल्याला विनंती आहे. नए बल्लेबाज रेहान सुशांत गौरव दो पर खेल रहे हैं, क्या इस मैच में सुशांत गौरव का जलवा देखने का मौका मिलेगा? अली डोंगर का ऊपर बहुत ही बेहतरीन है, दोनों तरफ से गेंदबाज जो है आग उगल रहे हैं. अलिपिया डोंगरी 9 रन 4 विकेट के नुकसान पर, 9+4 विकेट और पारी लड़खड़ाती हुई. मारुति मंदिर एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार रवि बुम्बक, इस बार स्विच हिट किया खूबसूरती के साथ, कारगर साबित होते विकेट पॉइंट की तरफ जाते हुए चेयरों के लिए. लगने के बाद गेंद बहुत दूर जाती भी. मैं उठना चाहता हूं, मैं भागना चाहता हूं, मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं गिरना भी चाहता हूं, लेकिन रुकना नहीं चाहता हूं. मुकाबला बड़ा है, इस मैच को पकड़ कर रखने की जरूरत है. 87 है, मैं अभी भी समझ रहा हूं कि बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा अंबार है, लेकिन क्रिकेट में सब कुछ जो है, जो कि सब कुछ कठिन नहीं होता. एक बार फिर मुकाबले की तरफ जाएंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इस बार ड्राइव किया, यह बेहतर क्रिकेट है. एक शानदार छक्का खेलने के बाद सीधे बल्ले से गेंद को ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई एक रन का इजाफा. मारुति मंदिर एंड से गेंदबाजी करते हुए अच्छा शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया, वाइड स्लॉन्ग पर खिलाड़ी मौजूद है. जब तक इस गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दो रन मुकाबल के गेंद बॉल की तरफ ट्रेवल होती हुई तीसरे के लिए वापस आना चाहते हैं. 3 रन मुकाबल करेंगे, बहुत ही खराब क्रिकेट मैदान के अंदर मोमेंटम बनाने की कोशिश बल्लेबाज कर रहे हैं. 3 रनों के साथ रन संख्या 20 रन. इस ओवर की कहानी देखें तो पहले दो ओवर रत्नागर चैंपियन ट्रॉफी का घमासान आप देख रहे हैं. सुहास पवार छोटी गेंद बड़ा शॉट बहुत ही खूबसूरती के साथ पुल करते हुए टीम में भी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन ओवर के अंदर संरक्षण बन गया इस बार दर्शन ने स्कोर का छोटे को बड़े बाद द्वारा सुहास पवार कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करते हुए स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार. यह अलग है लेकिन कारगर है, रत्ना तक तो बल्लेबाज द्वारा पहली गेंद पर छक्का, दूसरी पर भी तीन, तीसरी पर एक बार फिर शानदार शॉट छक्का, हवाई फायर दर्शक बन गए फील्डर. विश्वसनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा, यह कला है. गेंद को एक बार फिर पढ़ना बहुत जरूरी है, नदी के गहराई की तरफ आपको जाना है, एक बार फिर नदी में डुबकी लगानी है तो नदी के गहराई के बारे में पता होना चाहिए. अगर अच्छा शॉट खेलना है तो गेंदबाज की लेंथ क्या है, लाइन क्या है, इसको परखना बहुत जरूरी है. ये अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद है, एक बार फिर ये क्यों भाग रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसकी क्या जरूरत है. रेहान अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, मनीष ने खुद के ऊपर जिम्मेदारी ली है और कहते ना जो वादा किया निभाना पड़ेगा. एक एंड पर सेठ बल्लेबाज, कुएं का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, मशक्कत करनी होगी. अगर पिछली 2 गेंदों पर या 3 गेंदों पर 2 बड़े शॉट आते तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका बल्लेबाजों को बिल्कुल मिलता. टप्पा ऑफ स्टंप के बाहर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी और बाहर की तरफ निकलते भी गेंद, सुंदर गेंदबाजी गेंदबाज मयूर वाघमारे द्वारा. इनका स्पेल देखिए क्या स्पेल है, 1.1 ओवर में 4 रन खर्च किए, 3 सफलता 3 शिकार कर दिए हैं. तो ये तीखी गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बाद में प्रमुख गेंदबाज के तौर पर वो दबाव बनाना होता है, वो दबाव बना रहे हैं. 11 गेंदों का खेल से अब 53 रनों की जरूरत. अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आते हुए गेंद को ऑन साइड पर मिड विकेट खेलते हुए खराब फील्डिंग, 2 रन लेने का मौका मिलाएगा क्योंकि इस वक्त रेहान का विकेट पे खड़े रहना बहुत जरूरी है. रेहान जितना खड़े रहेंगे कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम के लिए कुछ करने की. एक अच्छा प्रदर्शन अभी तक, इन्होंने 9 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट इनका अच्छा है. मनीष ने 2 गेंदों का सामना किया और इनकी तरफ से अभी तक कोई रन नहीं बनाया, मतलब इन्होंने अभी तक खाता ही नहीं खोला है. एक खिलाड़ी देखिए इस बार फाइन लेग, एक स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. मयूर बागबगर की अगली गेंद,
बहुत अच्छा शॉट गैप पे खेले गिर बॉल की तरफ जाती भी मैग्निफिसेंट बैटिंग। इसलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा था मनीष जी आपको नहीं आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण मैच मैदान के अंदर चल रहा अगर जीतने ओवर का बड़ा करते तो बहुत अच्छा है इनके मेरिट।